कमाई कर लिया अभी 10-10 रुपए एक फोटो। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और आज के इस नए वीडियो में। तो अभी टाइम हो रहा है 9:54 और आज का डेट है 30 नवंबर। तो आज हम लोग कहीं जाने वाले हैं, पूरी बिल्डिंग के जितने भी लोग हैं। तो अभी हम देख सकते हैं आप, आज पहले ही नहा वहा तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अभी ट्रेन मतलब 10:30 बजे है, तो जल्दी से चलते हैं फिर स्टेशन पर, उसका आपसे मिलता है। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं हम लोग बस्ती रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं, देख सकते हैं पीछे बोर्ड। जैसा आप देख सकते हैं कि हमारा ट्रेन आ चुका है और बस्ती से जो भी ट्रेन जाता है गोरखपुर ही जाकर रुकता है, तो कोई सी भी ट्रेन उधर जाए। और फाइनली फ्रेंड्स हम लोग गोरखपुर रेलवे स्टेशन से पहले ही उतर गए थे और अब धर्मशाला की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो फाइनली हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं ट्रेन, और अब नौकर हम लोग जाके उतरेंगे। ऐसे कार कौन चलाता है भाई जो ऑटो को ओवरटेक ना कर पाए। जल्दी आओ ब्रो। यह है गोरखपुर का रोडवेज, जहाँ पर हर दिशाओं के लिए बस मिल जाएगी, मतलब जहाँ भी आपको जाना हो वहाँ का बस आपको आराम से मिल जाता है, वो भी गवर्नमेंटेड बस मिलता है। तो फाइनली हमारा एंट्री हो गया है गौतम बुद्ध द्वार पर, नौका विहार वाले रोड पर। और अगर आप नौका विहार गए होंगे तो इस रोड को आप ज़रूर पहचानते होंगे, क्योंकि इसके बगल में जो है वो रामगढ़ ताल है, देख सकते हो आप व्यू, और बहुत सही लगता है। अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं नौका विहार में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यू जो है अपने देश के तिरंगे का, और कुछ बच्चों का स्कूली टूर आया था। कमाई कर लिया अभी 10-10 रुपए एक फोटो। ये है नौका विहार गोरखपुर का। आज तो बहुत कम भीड़ है क्योंकि वीकेंड नहीं है आज, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पर। अभी वहाँ चलते हैं हम लोग, वहाँ जाते हैं जहाँ एकदम गोरखपुर लिखा है। और ये रहा रामगढ़ ताल नौका विहार, और हम लोग चलते हैं अंदर और फिर फोटो शूट करते हैं, एंजॉय करते हैं, और आप लोग वीडियो में अगर बने रहिएगा। तो चलिए सलमान खान बनते हैं दबंग वाला चश्मा लगा के। ओ भाई कैसा लग रहा है आप कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे ऊपर ये वाला चश्मा, क्योंकि हम ऐसा चश्मा तो लगाते नहीं हैं। नौका विहार से हम लोग, और आज उतना भीड़ नहीं है, बट फिर भी चलिए हम लोग फोटो लेने के लिए आए ही हैं। और ये तो फोटो खिंचवा रहे हैं, तो आप देख रहे हैं मेरी बारी आ गई फ़ोटो खिंचाने का, और भाई अच्छे से खींचना है आज, मैं भी अच्छे से पोज दे रहा हूँ। और ले रहे हो कि नहीं भाई फ़ोटो? वो चेंज नाउ। नौका विहार गोरखपुर में काफ़ी अच्छा पर्यटक स्थल के रूप में मतलब विकसित हो गया है, तो आप अगर आसपास रहते हैं तो ज़रूर आएँ, इसको इन्जॉय लें। और हम लोग नौका विहार के अलावा बहुत सारी जगहों पर भी घूमे थे, गोरखनाथ, अम्बेडकर पार्क, चिड़ियाघर, तो उसका अलग से एक ब्लॉग आएगा, तब तक के लिए